आज मैं बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये नाश्ता खाने में इतना टेस्टी है कि आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। इस नाश्ते को खाने के बाद आप बाजार का नाश्ता खाना भूल जाएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। एक बार आप इस नाश्ते को ज़रूर बनाकर देखें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने मेजरिंग कप से आधा कप सूजी ली है। सूजी को रवा भी कहा जाता है। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आप चाहें तो मोटी सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। एक चौथाई कप दही डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी का ये नाश्ता बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने सूजी का बैटर तैयार कर लिया। अभी मैंने इस तरह का बैटर रखा है। ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आएगा। इस नाश्ते को आप एक बार जरूर बनाकर देखें। अब बैटर को हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, बैटर अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने गैस पर एक अप्पे के पैन को रखा है। इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम सूजी के बैटर को पैन में डालेंगे। पैन में मैं थोड़ा थोड़ा बैटर ही फिल कर रही हूँ। एक बार आप इस नाश्ते को जरूर बनाकर देखें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इस नाश्ते को हम 2-3 मिनट तक कवर करके धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे नाश्ता पका है या नहीं। वाओ, देखिए नाश्ता पक चुका है। आप सभी को हम टर्न कर देंगे। मैंने सभी नाश्ते को टर्न कर दिया है। अब इसे हम फिर से ढक देंगे और 1 मिनट तक पकने देंगे। 1 मिनट हो गया है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए इस साइड से भी ये नाश्ता पक चुका है। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। तेल भी हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच राई डालेंगे। राई को अच्छे से तड़कने देंगे। आप देख सकते हैं राई भी अच्छे से तड़कने लगी है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को भी हम भून लेंगे। जीरा भी अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम 3 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डालेंगे। 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे। चलाते हुए हल्का सा पका लेंगे। अदरक लहसुन हल्के से पक गए हैं। अब इसमें हम 1 मीडियम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे।
प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक हम भून लेंगे। प्याज भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, चलाते हुए पका लेंगे। लाल मिर्च भी अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम 1 चम्मच टमाटर केचप डालेंगे, 1 चम्मच चिली सॉस डालेंगे। मैंने यहाँ पर रेड चिली सॉस डाला है, इसलिए मैंने लाल मिर्च की क्वांटिटी को कम ही डाला है। 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे, अगर आपके पास सोया सॉस है तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने 1 कटोरी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार किया है, इसे हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो ये नाश्ता तैयार किया है उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो गया है ना। अब जब भी इस नाश्ते को बनाकर खिलाएंगे, ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आएगा। सभी सामग्री अच्छे से मिक्स हो गई है, हमारा नाश्ता भी तैयार हो गया है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। ये नाश्ता गर्मा गर्म सर्व करने के लिए तैयार है। अब इसे हम कढ़ाई में से 1 बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। बच्चे और बड़े तो इसे बार बार मांग कर खाएंगे। एक बार आप इस नाश्ते को ज़रूर बनाकर देखें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।